सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। माहौल चुनाव का हर चुनाव उसके मुकाबले अजीब सा है जी। वोटर साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। अच्छा, तो शांत माहौल में अंदाजा लगाना काफ़ी कठिन है, लेकिन शांत होने का मतलब है तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगे सत्ता विरोधी लहरी। लेकिन जो आम आदमी है वो तो लोकतंत्र से ही बंधा हुआ है, उसे ही वो चाहता है, उसे वो पसंद करे, उसके लिए पता नहीं क्या क्या देश में आया सबको पता है। अगर वो लोकतंत्री ना रहे, वही खत्म हो जाए, तो जनता शायद इसे पसंद नहीं करती। भाई सरकार में आंदोलन नहीं हो रहे जी, बेरोजगारी मिली, ये दो काम तो मिले। दो बच्चे हैं क्लास में, 100 में से ऐसे हैं कम से कम 90 जने जो कह रहे हैं हम इकरा हसन से वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, इकरा हसन का दबदबा बहुत। हाँ जी, बहुत दबदबा है। कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? भाई जहाँ चौधरी साहब कहेंगे जी वही करेंगे। चौधरी साहब मतलब चौधरी इंदर सिंह? जी जी, चौधरी इंदर सिंह ने तो इकरा को समर्थन दिया है जी। इकरा चौधरी भाई जा गए। सीसीए में आपका स्वागत है। अभी हम कैराना लोकसभा सीट की मोहम्मदपुर गुज्जर गांव में हैं। कैराना लोकसभा सीट की दरअसल तीन विधानसभाएं जो हैं वो शामली ज़िले में पड़ती हैं, और दो विधानसभा सीट जो हैं वो सहारनपुर ज़िले में पड़ती हैं। आइए यहां गांववासियों से पता करते हैं इस बार चुनाव का क्या माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाने की सोच रहे हैं। बाबू जी नमस्कार जी, चुनाव आ रहा है, क्या माहौल आपको लग रहा है? देखो, माहौल चुनाव का हर चुनाव उसके मुकाबले अजीब सा है जी। वोटर साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। अच्छा, तो शांत माहौल में अंदाज़ा लगाना काफ़ी कठिन है, लेकिन शांत होने का मतलब है तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगे सत्ता विरोधी लहरी। जब सरकार से आज ही जाए लोग तभी शांत हों ज़्यादा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, हमारे यहाँ भी गठबंधन के प्रत्याशी इकरार हसन हैं, मुझे लग रहा कि वो ये माहौल जो शांत माहौल है कहीं ना कहीं उनके फेवर में जा रहा है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है, क्योंकि हमारा भी ऑब्जर्वेशन ये रहा है घूमते वक्त कि थोड़ा पिछले चुनाव की तरह इतना हल्ला और वो सब नहीं है इस बार। ये शांत माहौल जो आप कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि जो विपक्षी लोग हैं या जो विपक्ष में वोट करना चाह रहे हैं वो किसी कारण से थोड़ा घबरा के शांत हैं? वो तो माहौल ही चल रहा, वो तो पहले से ही सरकार ने माहौल ऐसा बना दिया कि भाई कोई आम दिनों में बोलने को तैयार नहीं, वही माहौल चुनाव में है। मन मच है, कुछ ही है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार आदमी है ही नहीं, तो बहुत दिनों से तैयार नहीं है। ये आपको लग रहा है जो ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट किया है, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, या इस और मतलब जो कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है उसी का ही मतलब इन्हीं चीज़ों का कुछ असर है? हाँ बिल्कुल। देखो, हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, सत्ता में बैठा आदमी अपने लालच में कुछ भी कर सके, लेकिन जो आम आदमी है वो तो लोकतंत्र से ही बंधा हुआ है, उसे ही वो चाहता है, उसे वो पसंद करे, उसके लिए पता नहीं क्या क्या देश में आया सबको पता है। अगर वो लोकतंत्री ना रहे, वही खत्म हो जाए, तो जनता शायद इसे पसंद नहीं करती, पसंद कर नहीं रही, कर नहीं रही। कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है, तानाशाही रवैया जो गैर लोकतांत्रिक एक तरह के कदम सरकार उठा रही है, ये जनता को कहीं कहीं ठेस पहुंचा रहे। बाबू जी, आपका नाम? विक्रम सिंह। विक्रम जी, बाबू जी आप वैसे करते क्या हैं? मैं समाज सेवा और अपनी फार्मिंग करूँ जी, बस वही। आप किसान हैं, 10 साल किसानों के लिए कैसे रहे हैं आपके लिए, आपके हिसाब से? 10 साल मोदी सरकार रही है, बड़े बड़े वायदे किए गए थे, किसान सम्मान निधि भी दी गई, उसके साथ साथ बहुत बड़े वायदे किए गए थे कि भी किसानों का जो आमदन है वो 2 गुना हो जाएगी, स्वामीनाथन कमीशन की वो सारी रिकमेंडेशंस लागू की जाएंगी, आपके हिसाब से उसके इर्द गिर्द कितना रही है सरकार अपने वायदों के? देखो, आमदनी तो सरकार चाहे 2 गुनी नहीं कर पाई, लेकिन खर्चे से 2.5-3 गुने कर दिए। जो खेती किसानी में आने वाली
किसान के मतलब की चीज़ें हैं जो सब मार्केट से लेनी पड़ती हैं, वो सब उनके रेट सबके ढाई गुणे से कम किसी के नहीं है, इससे ज़्यादा भी 10 किलो कम हो गया है। यूरिया कट्टा भी वहाँ 45 का था, वो भी तारे 40 का होगा, 40 किलो रेट जुका तो है उसका वही। ये आपको लग रहा है कि किसानों के लिए भी ख़राब रही और साथ में एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर आप कह रहे हैं हमला रहा है इस सरकार तो सामने दिख रहा है, आम आदमी उसे महसूस कर रहा है, महसूस कर रहा है। बड़ी बात बोली है ये कि कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव में चुप्पी है, बहुत सारे लोग अगर यहाँ पश्चिम यूपी में घूमेंगे तो एक समय होता था जब चुनाव से एक महीने पहले से ही ढोल नगाड़े क्या क्या नहीं शुरू हो जाता था, एक अजीब सी चुप्पी इस बार नज़र आएगी, उस तरह का जो जोश चुनाव में होता है वो नहीं नज़र आ रहा है, उसको भांपना थोड़ा मुश्किल है। बाऊजी ने उसकी एक समझदारी अपनी रखी है हमारे सामने और शायद कई लोग उससे इत्तेफाक रखेंगे भी उस समझदारी से। जी बाऊजी, आपका नाम? ऋषिपाल है जी। हाँ जी, ऋषिपाल है जी। आपका क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किधर जाने की सोच रहे हैं? वोटर तो वैसे चुप ही है, बता तो कुछ रहा नहीं जी। हाँ जी, गुम है वोटर। तो आप भी अभी चुप ही रहेंगे उसके बारे में? चुप ही हैं। ठीक है, मैं आपसे अगर घुमा के सवाल पूछूं तो बाऊजी का ये कहना था कि चुप वोटर का मतलब ये है कि शायद विपक्ष की तरफ जाना चाह रहा है, क्या आपकी भी चुप्पी से मैं यही कुछ समझूं? नहीं, आम ऐसा तो लोग कुछ खोल नहीं रहे, अपने हिसाब से तो कुछ नहीं खोल रहे, लेकिन जैसा भी होगा उसके बाद बताया जाएगा क्या अभी होगा। अच्छा, चलिए, ये लोकतंत्र में सबका एक अधिकार है अपने मत के लेकर शांत रहने का, तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा अपनी बात बताने का। जी साहब, आपका नाम? मोनू जी। मोनू जी क्या करते हैं? खेती है। खेती है, और नौजवान हैं आप, कैसे रहे हैं 5 साल रोजगार के लिए और किसानों के लिए? वो तो बताया दिया बाबूजी ने जैसे रहे हैं, बताया दिया कैसे रहे। अच्छा, वैसे किसानों के लिए तो आपने बताया, बट रोजगार के संदर्भ में खास करके आप नौजवान हैं, कई मुद्दों पर बड़े आंदोलन भी हुए अग्निवीर वगैरह को लेकर, आपका क्या कहना है इन चीज़ों पर? भाई, सरकार में आंदोलन ही हो रहे जी, बेरोजगारी मिली, ये दो काम तो मिले, दूसरा तो कुछ नहीं मिला। आप नाराज लग रहे हैं? हाँ जी, नाराज में क्या, सभी नाराज हैं जी। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है 400 पार। हाँ जी, कहने रहा 600 पार कह दो, 400 ही जरूरी है, 600 भी कह सके। चलो 600 पार, उसके लिए तो EVM से भी ज़्यादा काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, आप फिर कहाँ वोट देने की सोच रहे हैं? भाजपा तो है ही, प्रदीप जी आपके जो सांसद रहे हैं पिछली बार भी, उन्हीं को ही टिकट मिला है। दूसरी तरफ सपा से इकरा हसन जी हैं, बसपा ने भी अपने उम्मीदवार ठाकुर समाज से उतारे हैं, राणा जी हैं, आप कहाँ सोच रहे हैं? हम तो समाजवादी से जुड़े हुए हैं जी, समाजवादी से ही वोट दिया, हमेशा समाजवादी, समाजवादी से वोट दिया। अच्छा जी, तो पिछली बार भी आपने समाजवादी, समाजवादी दे दिया जी, तो आप मतलब कार्यकर्ता हैं समाजवादी के, मैं ये समझूँ। चलिए, आपका वोट तो फिर बंधा हुआ वोट है। साहब, आपका नाम? रेणु जी। हाँ जी, रेणु। रेणु जी, रेणु जी क्या करें आप? खेती है। खेती है आपकी, आपके कैसे रहे हैं 10 साल खेती में? ठीक ठीक कटे जी। ठीक ही कट रहे हैं, बस कट अपना ही कर रहे हैं, अपना ही खा रहे। अच्छा, कोई मुनाफा नहीं हुआ, मतलब कोई आपके आमदन दुगनी नहीं हुई जिसका वादा हुआ था? ना जी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वह ठीक ठीक कट रहा वैसा टेम। अच्छा। और क्या आखिर है। चलो, आप पिछली बार कहाँ वोट किया था आपने? मैंने पिछली बार भाजपा में से थे, भाजपा में गए थे। इस बार भी भाजपा जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं है, कहाँ बदल जा मूड। आपकी भी चुप्पी नजर आ रही है, जैसे साहब की चुप्पी थी जी, और बाऊजी ने चुप्पी का मतलब थोड़ा सा तो बता ही दिया है, क्या वही मतलब है चुप्पी का? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चलिए, बाऊजी ने छकरे हैं सब लोग, ठीक है, छकरे मतलब परेशान हो रहे हैं। चलिए, यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, आपका नाम? अभिषेक है जी। अभिषेक जी, क्या करते हैं अभिषेक? सर, पढ़ता हूँ जी, हाँ, शोभित यूनिवर्सिटी में। शोभित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? फार्मेसी फर्स्ट ईयर है जी। फार्मेसी फर्स्ट ईयर है, वेरी गुड। तो क्या मतलब फार्मेसी में ही आगे जाने की सोच रहे हैं? नहीं जी सर, उसमें ही चले जाएंगे, वैसे तो अपना काम करेंगे जी, फार्मेसी रिलेटेड करना चाह रहे हैं। फैमिली में बिजनेस है या आप शुरू? फैमिली में बिजनेस, मामा जी हैं बड़े वाले, कंपनी में है जी, मामा जी बड़े वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ, आपके मामा जी की भी बिजनेस है बड़े वाले, 10 साल अभी, तो आपकी क्या उम्र हुई? 19 हो गई जी। तो पहली बार वोट डाल रहे हो? अच्छा जी, चलिए, मुबारक हो, लोकतंत्र के मेले में आपका भी स्वागत। ये बताइए, पहली बार वोट डाल रहे हैं,
कहाँ डालने की सोच रहे हैं? हमें तो बता दीजिए बाबूजी, हैं पूर्व में जिला पंचायत रहे 10 साल, जहाँ ये कहेंगे वहाँ वोट डाल लेंगे। बाबूजी तो इकरा बोल रहे हैं। हाँ जी, हम भी इकरा पे ही देंगे, जहाँ बाबूजी कहेंगे वहाँ कहेंगे। हम तो 2018 से चौधरी साहब के साथ जुड़े हुए हैं, बाबूजी इंदर सेन के साथ। हाँ जी, 2018 से बाबूजी इंदर सेन के साथ जुड़े हैं, हम वहीं से वोट देंगे जहाँ बाबूजी कहेंगे। तो बाबूजी इंदर सेन ने तो अभी पीछे ही फैसला किया कि वो इकरा जी इकरा आसन के साथ जाने जी वहीं देंगे जो जहाँ। चलिए आप मुझे ये बताइए, आप तो जैसे आप कह रहे हैं बाबूजी के साथ हैं, चौधरी इंदर सेन का जो भी आप कह रहे हैं कि एक किस्म से फैसला होगा आप उसके साथ हैं, लेकिन आप शोभित यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके बहुत सारे अलग अलग जगहों से नौजवान लड़के लड़कियाँ आते होंगे पढ़ने के लिए, क्या माहौल आपकी यूनिवर्सिटी में, क्या माहौल है? अब ये मत बताना कि क्योंकि चौधरी इंदर सेन ने कहा इसलिए मैं ये बोलूँगा, सच सच माहौल बता। बिल्कुल, लड़के ने कह रहे हैं जहाँ चौधरी साहब ने कह दिया वहाँ वोट देंगे, क्योंकि 100 बच्चे हैं क्लास में, 100 में से ऐसे हैं कम से कम 90 जने जो कह रहे हैं इकरा आसन से वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी, इकरा आसन का दबदबा बहुत जी, बहुत दबदबा है। आप तो नौजवान हैं, आपकी शोभित यूनिवर्सिटी में नौजवान हैं, पिछली बार तो नौजवान मोदी मोदी कर करके कर करके आधे वोट तो उनको सबसे ज़्यादा तो नौजवानों के ही मिले थे, ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग इतना बदल गए? नहीं जी, उसमें वो भी तो नहीं मिला रोजगार लड़कों को, अब वो 4 साल की वो कर दी भर्ती, उसके हिसाब से नहीं मिले लड़कों को, मेहनत कर रहे लड़के फिर वो नहीं हो रहे काम। अग्निवीर की बात जी, जी यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ हो गया जी, उसे पता नहीं कब को होगा, वो हो ना हो उसका पता नहीं जी, होगा नहीं होगा। तो लड़के नाराज हैं? नाराज हैं जी उस चीज़ से भी लड़के। हाँ जी, अब ये कह रहे थे कि उसमें बीच में भी कह रहे थे कि क्या नाम से हम वो कर देंगे कि पेपर को ऐसा ही कराया देंगे जी, पेपर को ऐसा कराया देंगे, हमने मेहनत कर रखी थी, मुझे फॉर्म भरा था उसका, मेरे कम से कम 130 क्वेश्चन सही थे जी उसमें, तो मैंने फॉर्म भरा रखा था तो उसमें हमारे ठीक थे। अब उन लड़कों ने चीटिंग करी, अब हमारा नंबर ना पड़े तो फिर वह बात हो जाएगी ना जी कि हमारा तो नंबर आया नहीं, उनका आ गया, तो फिर उस हिसाब से वो भर्ती रद्द करी। हमारे टीचर गए थे दिल्ली से वहाँ से जी। तो आपने भी मतलब एग्ज़ाम दिया, आपका भी मतलब वो इस बार वो हो गया जी, कैंसिल हो गया जी। तो बाकी आप बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आपके बड़े मामा जो हैं वो फार्मेसी की बिज़नेस में है, इस तरह के धंधे के लिए कैसे उनके हिसाब से वो क्या बोलते हैं, 10 साल कैसे रहे हैं धंधे के लिए? ठीक ही रहे जी उनके तो, उनका तो अपना काम है ना जी, वो वैसा तो नहीं है जी उनका काम। नहीं बट बिजनेस भी तो गिरती उठ चढ़ती रहती है ना, तो वैसे मार्केट उनके लिए ठीक रही है? ठीक रही जी उनकी, ठीक रही है, तो वो खुश हैं सरकार से जी, ठीक है जी। तो वो क्या बड़े मामा जो बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं जी, हमारी शायद है जी, मैं भी। आप क्या करते हैं जी? मैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ जी। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, क्या उम्र है? मेरी उम्र 21 साल होगी जी, 21 करोड़। अच्छा, तो ये आप लगभग पहले लोकसभा में वोट कर रहे हैं जी? पहली बार लोकसभा में जी, चलिए मुबारक हो। कहाँ वोट कर रहे हैं इस बार? भाई जहाँ चौधरी साहब कहेंगे जी वही करेंगे। चौधरी साहब मतलब चौधरी इंदर सिंह जी? जी, चौधरी इंदर सिंह ने तो इकरा को समर्थन दिया है जी, इकरा चौधरी भाई जा गए वोट। अच्छा जी, वैसे पहले मन बनाया था कहीं और जाने का? वेट ही पहले भी कहीं और नहीं था जी। अच्छा, पहले चौधरी साहब पार्टी में तो गए ही थे, पार्टी में तो यही थे ना, तो पार्टी के साथ ही वोट है। आप लोग पार्टी जो चौधरी इंदर सिंह कहते हैं उन्हीं के साथ हैं, उनके मतलब साथ जी। लेकिन अगर आपको चौधरी इंदर सिंह का फैसला नहीं पसंद आया फिर क्या करेंगे? नहीं फैसला पसंद क्यों नहीं आया जी? अच्छा, आपको भरोसा है पूरी तरह से? चलिए चलिए, लोकतंत्र में अलग अलग कारणों से वोट अलग अलग तरीके से करते हैं। आपका नाम? शुभम जी। जोर से शुभम जी। शुभम, शुभम बेटा क्या कर रहे हो? मैं बीएससी एग्रीकल्चर करूँगी। बीएससी एग्रीकल्चर, साथ ही पढ़ रहे हो? जी जी, साथ में। ठीक है, तो आप भी क्या किसान परिवार से ही हैं? जी। आपके लिए पिछले 10 साल आपके पिताजी भी बात करते होंगे, आप खुद बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, घर में बात होती होगी माता जी की बाबू जी की, कैसा रहा है आप लोग के लिए किसानों के लिए पिछले 5 साल कैसे रहे हैं? जी हमारे लिए तो ठीक रहे जी, मतलब जी लोग कुछ कहो हमारे लिए तो ठीक रहे। चुनाव आ रहा है, कहाँ वोट देने की सोच जी? जहाँ चौधरी साहब कहेंगे इंदर सेन जी। तो चौधरी साहब ने तो फैसला सुना दिया है जी, जी। आप चौधरी इंदर सेन जी के साथ जी? ठीक है, लोगों के अलग अलग कारण हैं वोट करने के या ना वोट ना करने के। चौधरी इंदर सेन यहाँ के एक काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, उनके फैसले का कई लोगों को इंतज़ार था यहाँ गंगो विधानसभा में कि वो किस तरफ जाने वाले हैं। कुछ ही दिन, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही उन्होंने एक प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट किया कि वो सपा की उम्मीदवार इकरा हसन जी के साथ हैं, और उसके असर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चौधरी इंदरसन के फैसले का। जैसे बाबूजी ने शुरू में हमें बताया कि कहीं ना कहीं इस बार चुनावी में एक चुप्पी सी नज़र आ रही है, उस चुप्पी को हम भी एक तरीके से समझ रहे हैं, जब तक वोट नहीं पड़ता है तो उस पर हम भी खुल के नहीं बोलना चाहते हैं कि चुप्पी का मतलब क्या। लेकिन बाबूजी ने मेरे ख्याल से
कई लोगों की मन की बात सबसे पहले वो उस चुप्पी के, वो जो चुप्पी साधी हुई है लोगों ने, उसका मतलब समझाया है। खैर, चुनाव में जहां एक तरफ 400 पार की बात हो रही है, लेकिन इस चुप्पी में शायद बहुत कुछ छुपा हुआ है और पता नहीं चुनाव के बाद क्या नतीजे आएंगे। मैं यही राय दे सकता हूं फ़िलहाल अपने दर्शकों को कि ये जो ओपिनियन पोल्स मेन स्ट्रीम मीडिया में, मुख्य धारा की मीडिया में आ रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, निराश कम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, CCA के साथ जुड़े रहें।